हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस में हमेशा एक कोशिश रहती है कि अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करें। करंटली जो सिनेरियो चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रहे हैं, इसमें मेरी बहुत कोशिश है कि ऑनलाइन टीचिंग घर बैठे अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाए। इसी में मेरी नजर पड़ी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत हम इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे इस वीडियो में। अनअकैडमी पे आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं और क्या अर्निंग पोटेंशियल है, कमाई के जरिए इससे कैसे निकल कर आ सकते हैं। बहुत सारे डिग्री होल्डर्स इस मेरे चैनल पर, सरोज मिश्रा चैनल पर मौजूद हैं और वो ऑनलाइन टीचिंग की जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं अनअकैडमी ट्यूटर आप किस तरीके से बन सकते हैं और अच्छे पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आप में से बहुत सभी लोगों में कुछ ना कुछ किसी ना किसी सब्जेक्ट पर एक्सपर्टीज होती है, किसी सब्जेक्ट पर कमांड होती है, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होती है, तो क्यों ना उस एक्सपर्टीज को आप यूज करें। तो अनअकैडमी के मैं कोर्सेज में गई कि क्या क्या कोर्सेज रन होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक कोर्स रन करके, कोई भी एक सब्जेक्ट पिक करके आप उस सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं और बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो अगर एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें यहां पर मुझे नजर आई। जैसे अगर आप स्कूल लेवल पर अगर पढ़ाना चाहें तो स्कूल लेवल पर भी आप पढ़ा सकते हैं। स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के जो भी सब्जेक्ट होते हैं सीबीएसई के, कोडिंग के भी क्लासेस हैं, यंग कोडर्स क्रिएटिव कॉर्नर भी है, तो आर्ट मुझे लगता है परफॉर्मिंग आर्ट ये सब के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ अगर स्कूल लेवल पर आप पढ़ाना चाहें तो सीबीएसई क्लास स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक में आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आता हो आप उसके लिए ऑनलाइन ट्यूटर यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज रन हो रहे हैं, बीबीए इन होटल मैनेजमेंट है, फॉरेन स्टडीज है, तो फॉरेन लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ एनरोल हो सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। जुडिशियरी एग्जाम्स मींस लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो लॉ वाले कैंडिडेट यहाँ रजिस्टर होकर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। क्लैट है, सीए है, सीए फाउंडेशन है, सीए फाइनल ग्रुप वन है। तो सपोज सीए फाउंडेशन की बात कर लें, आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है सीए लेवल की, बेसिक लेवल की, या फिर आपकी टेट के लिए भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, तो टेट में आप कोई भी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है तो वो आप पढ़ा लें। नीट की पढ़ाई होती है, नीट पीजी गेट एंड ईएससी आईआईटी जैम की पढ़ाई होती है, सीएसआईआर यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट महाराष्ट्र भारती भर्ती एग्जाम्स जितने होते हैं, इसके अलावा आरपीएससी एपीपीएससी टीएसपीएससी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पीएससी, मतलब अलग अलग स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं वो सारे भी यहाँ पर होते हैं। तो इनमें क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी एक सब्जेक्ट को पिक करके आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। जेई नीट आईआईटी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स, डिफेंस के एग्जाम, रेलवे आरबीआई बैंक के एग्जाम्स हो गए, पीओ के एग्जाम्स हो गए, काफी सारी चीजों की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट में आपको जरूर एक्सपर्टीज होगी या धीरे धीरे आप पढ़ाना यहाँ पर सीख भी सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप रजिस्टर हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर सभी के पास होती है, आपके मोबाइल पर ऐप होती है गूगल प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में जाकर आप अनअकैडमी एजुकेटर ऐप ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके थ्रू आप रजिस्टर हो सकते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसे एक दो स्टेप किया सो दैट आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो इनिशियली जब आप इस पर इंस्टॉलेशन आप करते हैं इस ऐप की, तो आपको ओटीपी वगैरह आती है, दो ओटीपी आएगी, एक बार मोबाइल पर ओटीपी आती है और एक बार आपके मेल आईडी पर भी ओटीपी आती है। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वैलिड डालें सो दैट आपको ओटीपी सही मिल सके। तो जब ओटीपी आप एंटर करते हैं तो फिर आपको दो स्टेप्स आते हैं कि आप प्रोफाइल कंप्लीट करें, बायोडेटा डालें, आपको क्या सब्जेक्ट आती है, आपकी क्या नॉलेज है, या आप अपने बारे में कुछ भी बताए बायोडेटा में। और दूसरी एक स्टेप होती है डेमो, एक 3 मिनट की आपको डेमो यहां पर देनी होती है, डेमो वीडियो बनाकर आपको देनी होती है। तो ये स्टेप मैंने कंप्लीट नहीं की, पर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो एक 3 मिनट की वीडियो डेमो आप दे सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखें कि गूगल वगैरह से जो आप इमेजेस लेते हैं उन पे कॉपीराइट होती है, तो ऐसी कोई भी इमेज ना लें जिसपे कॉपीराइट हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो आप अपनी बायोडेटा कंप्लीट करें, डेमो आप अपनी एक भेज दें वीडियो डेमो, और उसके बाद वहां से वो वेरीफाई करेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो आपको वो आगे प्रोसेस बताएंगे।
अनअकैडमी के भी काफी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको कंटेंट, आपको क्या अपलोड करना है 3 मिनट की डेमो में। तो इसके लिए खुद अनअकैडमी ने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा मुझे एक नजर आया जिसमें कि आपको कोई भी कॉपीराइट वायलेट नहीं करनी, किसी और की इमेज नहीं लेनी है, आपको किसी और की कुछ बनाई हुई चीज नहीं लेनी है, आपको खुद पीडीएफ, पीपीटी, हैंड रिटन नोट ऐसे इमेजेस बना के अटैच करके आपको भेजने हैं तो डेमो के लिए। अब अगर अर्न करने की बात करें कि किस तरीके से अर्न की जा सकती है, तो मैं खुद अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाती, लेकिन जैसे मैंने कई जगह पे पढ़ा कि वहां पर भी आप वीडियोस अपनी दे सकते, अपलोड कर सकते। एक बार फाइनली आप सिलेक्ट होते तो आप अपनी वीडियोस वहां पर दे सकते हैं। जो वीडियोस पर स्टूडेंट्स आपकी वीडियो को व्यू करते तो अराउंड 5000 व्यूज होते हैं, तो $50 अभी $70-73 के अराउंड चल रही है, तो आप 50 × 70 कर दें तो 3500 व्यूज पर आपको 3500 रुपए मिलते हैं। तो इस तरीके से आप जो वीडियोस बनाते हैं उन पर जो व्यूज आते हैं उनसे आप पैसे आपको अनअकैडमी देती है। इसके अलावा अनअकैडमी में कमाने के तरीके और भी हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा लाइक करती है तो वो आपको कॉल करते हैं लाइव क्लासेस के लिए, और लाइव क्लासेस में भी आपको अमाउंट, फिक्स अमाउंट दी जाती है। उसके बाद इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं आपके थ्रू, अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं तो वो भी, उनसे भी आपको पैसे दिए जाते हैं, गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं काफी तरीके के। तो इस तरीके से मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही हूँ, ये आप पर है कि आप उससे किस तरीके से अर्न कर सकते हैं या किस तरीके से आप अपनी टीचिंग एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको वीडियोस बनाने हैं, वीडियोस पर जो व्यूज आएंगे तो अराउंड 5000 व्यूज पर 3500 रुपए आप अराउंड कमा सकते हैं। इसी तरीके से ये ऑन एन एवरेज आपको बताया जा रहा है। इसी तरीके से जब आपकी पढ़ाई को बहुत लाइक किया जाता है, आपके पढ़ाने के स्टाइल को स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं, तो आपको प्लस एजुकेटर बनाया जाता है, और प्लस एजुकेटर में आपको फिक्स्ड सैलरी, तो फिक्स सैलरी, इंसेंटिव्स, गिफ्ट्स एटसेट्रा काफी मिलते हैं। आप स्टूडेंट्स जो लेकर आते हैं उन पर भी आपको मिलते हैं इंसेंटिव, मिलते हैं एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं। तो काफी सारे एजुकेटर है जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, काफी सारे एजुकेटर यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जैसा मैंने बहुत सारे लोगों की रिव्यू को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि मिनिमम 25,000-30,000 रुपीज आप यहाँ पर एजुकेटर बनकर, अगर अच्छी कंटेंट देते हैं, आपकी पढ़ाई को लाइक करते हैं स्टूडेंट, तो एक अच्छे एजुकेटर के रूप में आपकी पहचान भी बनती है, आपकी टीचिंग स्किल्स भी आगे बढ़ती है। आपको घर बैठे काम करना है, कहीं भी जाकर काम नहीं करना है, आप नई नई चीजों पर नई नई चीज इंटरनेट पर एक्सप्लोर करें, उससे अच्छे कंटेंट बनाएं, कंटेंट डेवलप करें, उनको वीडियोस बनाकर अपलोड करें और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 25,000 या 30,000 मिनिमम लोग यहां पर कमा रहे हैं, जो एस्टैब्लिश हो गए हैं वो उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, 50,000 या उससे भी अबव इनकम उनकी हो रही है। तो लिमिट कोई नहीं, अपर लिमिट कोई भी सेट नहीं की जा सकती है, बट लोअर लिमिट एक मिनिमम आप 25,000 से 30,000 रुपीज पर मंथ समझ सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के और भी कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो आपके लिए मैं जरूर एक्सप्लोर करूंगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।